दिल्ली में कोरोना वायरस से संक्रमित लोगों की संख्या बढ़ती जा रही है। तेजी से कोरोना वायरस के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए दिल्ली सरकार ने अहम फैसला लिया है। दिल्ली सरकार ने छोटे बच्चों को कोरोना वायरस से बचाने के लिए 31 मार्च तक सभी प्राथमिक स्कूलों को बंद करने का निर्देश जारी किया है। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने मीडिया से मुखातिब होते हुए ये जानकारी दी। कोरोना वायरस के बारे में हमने एडवाइजेस जारी किए हैं, हर स्कूल में किया जा रहा है। इसके साथ साथ हमने अभी निर्णय लिया है कि कल से 5वीं तक के सारे स्कूल्स बंद किए जाएंगे। 31 मार्च तक 5वीं क्लास तक के सारे स्कूल्स, गवर्नमेंट, प्राइवेट, सभी नगर निगम, सभी के स्कूल्स 5वीं क्लास तक के बंद रहेंगे। ये डिसीजन लिया है और बाकी को अवेयरनेस के लिए और प्रिकॉशंस के लिए एडवाइजेस जारी की गई हैं, क्योंकि बाकी के एग्जाम चल रहे हैं तो उसमें अवेयर करना हमारा सबसे प्राइम कंसर्न है। आज दिल्ली के उप मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया गोकुलपुरी के एक स्कूल गए थे। यहाँ उन्होंने बच्चों से और उनके अभिभावकों से बातचीत की। पीटीएम के अनुभव पर भी बोले मनीष सिसोदिया। इधर उधर की चीज़ें, लड़ाई, दंगे, इनकी खबरों भी उठ के वो अपनी पढ़ाई पे फोकस कर सके, उनका कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो सके। आज बहुत बड़ी संख्या में सारे स्कूलों में हमारे पेरेंट्स आ रहे हैं। कल भी आए थे, कल करीब आधे पेरेंट्स आए थे, आधे को आज किया हुआ हमने। सर, कोरोना वायरस को लेकर भी आप